नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अपनी ग्रामीण मुहिम के तहत कि जिस तरह से योगी जी ने जो सभी नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को आदेश दिए हैं कि सभी अपने गांव में इस कोरोना काल के चलते जो तीसरी लहर की आशंका लगातार मंडरा रही है, खतरा मंडरा रहा है, उससे बचने के लिए सभी प्रधानों को आज आदेश दिए गए हैं कि गांव में सैनिटाइज वो कराते रहें, साफ सफाई का काम लगातार जारी रहे और आपको बता दें मास्क का वितरण वो करते रहें और विशेष तौर पर अपनी गाँव की जनता का ध्यान रखें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके और किसी भी तरह से इस बार जैसे दूसरी लहर में जो आफत आई थी उससे कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हुए हैं और लोग मास्क भी लगा रहे हैं, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। तो इसी के चलते हम पहुंचे हैं आज एतमादपुर गांव में। आपको बता दें यहां पर जो प्रधान बने हैं अभी मौजूदा प्रधान जो थे पिछली बार जय सिंह जी, वही दोबारा से जीते हैं और आपको बता दें जनता का काफ़ी समर्थन और प्यार उनको मिला है। एक बार फिर दोबारा यहाँ पर लगातार ग्राम प्रधान बने हैं। अगले 5 सालों के लिए उनकी क्या योजनाएँ हैं और इस साल उनको क्या बड़ा विकास कार्य करना है, ये सारी जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। जी नमस्कार प्रधान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई फॉर यू दोबारा से प्रधान बनने के लिए, बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशन जी। तो प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा अपने गांव में सैनिटाइज वगैरह कराया? सबसे पहली बात तो सफाई की बात, सफाई सारे गांव में करा दी गई है बहुत बढ़िया तरीके से और कुछ मनरेगा के मजदूर लगाए हैं, कुछ अपने मजदूर ठेदार के मजदूर लगाए हैं। उसके बाद गाँव में सैनिटाइज पहले ही करा दिया गया था और मास्क वितरण कर दिए गए थे और मास्क वितरण करने के बाद भी सैनिटाइज काम करा दिया गया और गांव की सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और गांव को एक तरह से बहुत ही मतलब मौजूद तरीके से की रियासत दी जा रही है। मेरे जो एजेंडे मेन एजेंडे हैं, ये गांव में सबसे पहले टंकी पानी की व्यवस्था, दगड़े रास्ते पक्के हों, रास्ते फिर भी और भी पक जो अदरवाइज रास्ते हैं वो पक्के हों और गाँव मेरा खुशहाल रहे। खुशहाल रहने की बात पे ही मैं अपने एजेंडे पर चला हूँ और हर आदमी को खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए जनता का दोबारा प्यार क्योंकि आपने 5 सालों में इतना काम कर दिया जी कि वो मतलब काम बोलता है, काम इतना कर दिया है लोगों के लिए कि लोगों ने यदि रात के 2 बजे भी मुझे टेलीफोन किया तो मैं 2 बजे उन लोगों के पास मिला हूँ। और अब भी मेरी संभावना यही रहेगी कि यदि मुझे 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी हक मारेंगे तो मैं उनके पास मिलूँगा। और मेरी खूबी सबसे पहली बात है कि 3 बजे मैं खाट छोड़ देता हूं और 3 बजे गुरुद्वारे से नहा धोने के बाद मैं 4 बजे में करेक्ट गुरुद्वारे पहुंच जाता हूं और गुरुद्वारे से मैं 6:15 वहां से निकलता हूं। तो प्रधान जी और मेरे दो सवाल ये है कि यहां पर मास्क वगैरह वितरण किए आपने? मास्क वगैरह वितरण हमारे यहां पहले तो विधायक ने किए थे और वो हमने वितरण कर दिए थे, यही उसके बाद अब जो है अब भी मास्क वितरण भी करना चाह रहे हैं और दोबारा फिर सैनिटाइज दोबारा करना चाह रहे हैं। और हमने साफ सफाई देखी है, साफ सफाई तो बहुत अच्छी है। सरकारी NM है हमारे यहाँ, अस्पताल खुला हुआ है, उसके लिए कार्यकर्ता हमारी जो बैठी हैं वो आती हैं, वो लोगों को कोरोना टाइम के इंजेक्शन भी लगा दे रही हैं और इंजेक्शन बरकरार लग रहे हैं, अपनी कोई किस तरह की कोई ढिलाई नहीं है, यानी कि कोरोना की तरफ से कोई ढिलाई किस तरह की नहीं। मास्क भी ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है, डिस्टेंस भी ज़रूरी है और सैनिटाइज होना भी गाँव ज़रूरी है और सैनिटाइज आदमी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाथ धोने के लिए मत अपना पानी यूज करने के लिए सबसे पहले उनका। तो प्रधान जी मेरा आखिरी सवाल है, तो इस बार इस साल के लिए बड़ा विकास कार्य आपका क्या होगा? बड़ा विकास मेरा टंकी का है पहला, इस साल जो है टंकी चाहता हूँ कि टंकी मेरे गाँव में हो, चाहता हूँ कि बारात घर मेरे गाँव में हो और सबसे बड़ा जो मेन कार्य मेरा है वो है इस गाँव के लिए और शमशान घाट के लिए। शमशान घाट वाल्मीकि का अलग है, जमीन उसके लिए और हरिजन का अलग है और जाट और पंडितों का अलग है, तो और मुस्लिम जो कब्रिस्तान है वो अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम की तो नाप तोल होने के बाद चौबंदी हो और इन तीनों शमशान घाटों के लिए पैसा सब सेंक्शन हो और मैं उन्हें पक्का बनवा के बनाया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको बता दूँ जय सिंह प्रधान जी के जो बयान आ चुका है उनका साफ कहना है कि इस साल में उनका जो बड़ा विकास है, बड़ा कदम है, वो टंकी की ओर है क्योंकि यहाँ पर टंकी जो लगेगी तो लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा क्योंकि पानी दूषित हो रहा है। इसके लिए प्रधान जी ने ये अपनी सोच रखी है और आपको बता दें यहाँ पर जो शमशान घाट का एक बड़ा मुद्दा है उसको भी वो चाहते हैं कि हर बिरादरी के लिए एक शमशान घाट वो बनाए और जो मोमडन के लिए वहाँ पर कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी का वो प्रयास पहले साल में करेंगे। और यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बहुत जोरों शोरों से चल रही है, मास्क बांट दिए गए हैं, सैनिटाइजर दोबारा कराने जा रहे हैं, मास्क भी दोबारा बांटने जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर विकास कार्य
हो रही है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह आयसन सर। महाशिवरात्रि अभी आ रही है, उसके लिए शुभकामना है, और जो भी मेरे से होगा मैं इस अपनी इसमें भी योगदान दूंगा।